नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मोमोज बहुत पसंद आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो मोमोज के फैन तो हैं ही, पर ज्यादातर लोग उसकी चटनी के फैन हो जाते हैं। जी हाँ, मोमोज जो होता है वो चटनी के बिना बिल्कुल अधूरा है, और चटनी जो उसकी होती है लोगों को बहुत पसंद आती है। भले मोमोज कम खाए बट उसकी चटनी उन्हें बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत अच्छे से खाते हैं, और मोमोज जो चटनी के लिए ही खाते हैं। तो मोमोज की चटनी कैसे घर पे बनाएंगे उसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे जो एकदम बिल्कुल ड्राई रेड चिली ले ली है, और इसके मैंने सीड्स जो है बाहर निकाल लिए। थोड़े सावधानी पूर्वक आपको इस काम को करना पड़ेगा ताकि हाथ में जले ना, और जिस समय ये चटनी आप बनाएं उस समय खिड़की दरवाजे खोल के रखें ताकि इसकी जो झांस है वो ना लगे। तो ये मैंने निकाल दिए हैं सारे। आपको बीच से करना क्या है कि आपको जो ड्राई चिली लेना है इसको ऐसे साइड से बीच से काटना है और इसके जो सीड्स हैं निकाल देना ताकि ज़्यादा तीखा ना हो। तो इस तरह करके सारे मैंने सीड्स निकाल लिए हैं रेड चिली के। अब इसको क्या है, हम एक पैन में डालेंगे ये, और एक कटी हुई प्याज है, एक जो है मैंने कटी हुई प्याज ली है। इसको पानी में हम इसे 5 से 7 मिनट तक बॉईल करेंगे। ये मैंने प्याज और जो चिलीज थे वो डाल दिए, और एक कप पानी इसमें डाल देंगे और इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक, बस थोड़ा नरम करना है, तो 5 मिनट तक हम इसे बॉईल होने देंगे। हमने इसको 5 मिनट बॉईल कर लिया और ये इस तरह सॉफ्ट हो गया। अब हमें इसे करना ये है कि हमें इसे 5 से 10 मिनट ठंडा करके, मतलब थोड़ा ठंडा करके, और हमें दरदरा इसको पेस्ट बना लेना है। इसे देख लीजिए दोस्तों, आपको दरदरा पेस्ट बनाना है, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, इस तरह का आपको दरदरा पेस्ट बनाना है जो प्याज और मिर्च का है, ड्राई मिर्च का जो है ये पेस्ट, इस तरह से आपको दरदरा पेस्ट बना लेना है। अब मैं यहाँ पैन रख लिया और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने चॉप्ड गार्लिक जो है वो है, और 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई जिंजर है। थोड़ा ब्राउन होने देंगे, देख सकते हैं कि ये ब्राउन हो चुका है। अब इस वक्त हम जो है ये तो हरी मिर्च है वो डालेंगे, तो हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया, और ये जो है आपको दिखा रही हूँ नज़दीक से, देखिए आप ये जो धनिया पत्ता मैं आपको दिखाती हूँ, धनिया पत्ता की जो स्ट्रेंथ है, खींचने वाले जो भाग है, मैंने इसको बारीक काट के रख दिया। ये भाग आपको पत्तेदार वाले भाग नहीं काटना है, इसकी जो स्ट्रेंथ है पीछे वाली साइड को, उसको मैंने बारीक काट लिया, वो करीब 1 टीस्पून है, तो ये डाल दिया। अब ये जो पेस्ट है, जो चिली पेस्ट हमने तैयार किया था, उसे अब डालेंगे। इसके आप हाफ से ना निकालें, आप स्पून का यूज करें। अब इसमें कुछ और जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करेंगे। बिल्कुल आपको मीडियम फ्लेम करके रखना है और धीरे से चलाते रहना है। ये मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, शुगर, आपको बीच में चलाते रहना है। ये 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है, व्हाइट विनेगर जो आता है मार्केट में, आपको ग्रोसरी शॉप में अवेलेबल हो जाएगा किसी भी शॉप में वो, और 1 टीस्पून सोया सॉस। कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। अब जो है क्या है, 5 से 7 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई हम करेंगे। अभी इसमें एक दो और इंग्रेडिएंट्स है जो मैं अभी ऐड करूंगी, आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद ये तेल छोड़ चुका है, इसका मतलब कि ये
रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डालेंगे और उसके बाद 2 मिनट तक चलाएंगे अच्छे से, और उसके बाद हमारी चटनी जो है मोमो चटनी रेडी हो जाएगी। 2 टेबल स्पून हम टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस जो भी बोलते हैं आप, दो टेबल स्पून डालना है। अब इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, ये चटनी कितना ही देखने में यमी लग रहा है। और आप इसे थोड़ा सा नमक और जो चीनी का जो मेजरमेंट है कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 1 महीने है, 1 महीने से ज़्यादा भी चल जाता है, तो आप इसे आराम से किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए और आप चटनी एंजॉय कीजिए। एक ही बार आप चटनी बना के रख सकते हैं, और जब भी आप मोमोज बनाए या पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर भी स्प्रेड करते हैं लोग, ब्रेड में भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये चटनी बहुत जगह यूज होती है, तो आप एक बार बना के कंटेनर में रख दें और पूरे महीने भर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी मोमोज चटनी रेडी है, और मैंने ये हनी का जो बॉटल था उसको मैंने यूज़ किया। आप कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, जैम का बॉटल या कुछ और चीज़ का बॉटल लेकर यूज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए मैंने इसे बॉटल में डाल दिया है और काफ़ी दिन तक ये चलेगा। तो अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।